बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक पॉलर एंड नॉन पॉलर कोवलेंट बॉन्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस से इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी और दोनों के दरमियान का हमें डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि पॉलर और नॉन पॉलर में क्या डिफरेंस है। पॉलर कोवलेंट बॉन्ड, पॉलर कोवलेंट बॉन्ड जो है, सबसे पहला डिफरेंस ये है कि पॉलर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के दरमियान में बनता है, यानी कि टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वाटर है और अमोनिया है, तो ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। और जो नॉन पॉलर कोवलेंट बॉन्ड है वो बनता है सेम एटम्स के दरमियान में, यानी कि होमो एटम्स के दरमियान में बनता है। और जैसे यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है हाइड्रोजन की, क्लोरीन गैस और ऑक्सीजन गैस की, नाइट्रोजन गैस, इसी तरह बाकी की गैसेस जो हैं वो भी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में ही आती हैं। सेकंड डिफरेंस जो है, सेकंड डिफरेंस में वो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इनकी डिफरेंट होती है। अब अगर हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, लेकिन अगर हम बात करेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। कैसे सेम होगी? जब सेम एटम्स के दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो जाहिर सी बात है फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। जैसे अगर हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल, जो हाइड्रोजन गैस का एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2, और जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2। तो 3.2 और 3.2 दोनों यानी कि क्लोरीन के एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सेम होती है। और जब हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं तो मींस उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है। जैसे हाइड्रोजन की, अगर पहले भी मैंने बताया कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.2 है, तो मींस दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी आ रहा है। और जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वहाँ पे इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जब हो रही है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है उसमें अनइक्वल शेयरिंग आ रही है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है तो थर्ड पॉइंट जो है उसमें अनइक्वल शेयरिंग के बारे में बता रहे हैं, और अनइक्वल शेयरिंग किस वजह से हो रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अगर तो सेम हो, जैसे हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है दोनों एलिमेंट्स की, तो इक्वल शेयरिंग हो रही होती है। और नीचे जो डायग्राम है, ये वाली पिक्चर जो है, इसमें भी यही बताया जा रहा है कि दोनों जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बराबर इक्वल शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो है हमारा पोलर कोवलेंट बॉन्ड वहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, एक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है पेयर। जैसे कि ये वाला जो एटम है ये अपनी तरफ ज़्यादा पेयर अट्रैक्ट कर रहा है, और ये वाला जो एटम है ये अपनी तरफ कम पेयर, इलेक्ट्रॉन का पेयर कम अट्रैक्ट कर रहा है, अपने से दूर कर दिया इसने थोड़ा सा। और फोर्थ पॉइंट है, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड इम्प्योर कोवलेंट बॉन्डिंग। अब जो हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड है उसमें इम्प्योर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, और जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है उसमें प्योर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, उसको हम प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो टू एटम्स के दरमियान में जब होती है और अनइक्वल शेयरिंग होती है तो उसमें भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ही हो रही है, क्योंकि अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा। जैसे पीछे इस पिक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, अभी भी दोनों एटम्स ने अपना अपना होल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पे रखा हुआ है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं किया हुआ, ठीक है, अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। और अनइक्वल शेयरिंग होने की वजह से जो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। नीचे उन्होंने आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है, उसमें भी क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनइक्वली शेयर हो रहे हैं, लेकिन शेयर ज़रूर हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.2 और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.2, तो क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन का पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करने की वजह से उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये जो साइन है इसको डेल्टा साइन बोलते हैं, और ये पार्शियल नेगेटिव यानी कि पार्शियलिटी को रिप्रेजेंट करता है ये साइन, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव साइन आ रहा है, पार्शियल का मींस, पार्शियल मींस हाफ, यानी कि अब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स पेयर का डोनेशन नहीं हो रहा, ठीक है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, अभी भी दोनों एटम्स का होल्ड उस इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर है, तो ये होता है डेल्टा साइन, ठीक है।
और ये आपके पास एग्जांपल है जिसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से फॉर्म हो रहा है वो बताया जा रहा है। नेक्स्ट है व्हाई डेल्टा साइन डेवलप्स, डेल्टा साइन क्यों डेवलप होता है, ये जो साइन है इनके ऊपर ये डेल्टा साइन है तो डेल्टा साइन क्यों डेवलप हो रहा है, तो डेल्टा साइन क्यों डेवलप होता है, डेल्टा साइन इसलिए डेवलप होता है क्योंकि यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, और पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव चार्ज का मतलब है अनईक्वल शेयरिंग की वजह से आ रहा है कि हाइड्रोजन का जो एटम है अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल में देखें तो हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शल पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही थी उसमें हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो ऑक्सीजन ने अपनी तरफ कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया, और लेकिन होल्ड दोनों कैप्स के ऊपर, जैसे हम लोगों ने ये लास्ट में इस एग्जांपल में इस पिक्चर में देखा कि दोनों का होल्ड ज़रूर है लेकिन एक तरफ जो है ये वाला जो एटम है इसने अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया है इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि डेल्टा साइन क्यों डेवलप होता है, क्योंकि अनईक्वल शेयरिंग हो रही है और अनईक्वल शेयरिंग की वजह से डेल्टा साइन डेवलप हो जाता है। अब जिस जो एटम अपने तरफ अपना इलेक्ट्रॉन जिस एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर दूर जा रहा है वो डेल्टा पॉजिटिव यानी कि पार्शल पॉजिटिव हो जाता है, और जिसने अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया वो पार्शल नेगेटिव हो जाता है। द डेल्टा साइंस इंडिकेट पार्शल पॉजिटिव एंड और पार्शल नेगेटिव चार्जेस दैट इज डेवलप ड्यू टू द अनईक्वल शेयरिंग ऑफ अनईक्वल शेयर्ड पेयर और बाउंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द कंपाउंड रिजल्टिंग फॉर्म पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड पोलर कंपाउंड, और जिन कंपाउंड्स में पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही होती है वो पोलर कंपाउंड्स कहलाते हैं। नीचे एग्जांपल्स हैं वाटर मॉलिक्यूल की है, हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जांपल है, यहाँ पे भी अनईक्वल शेयरिंग हो रही है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसमें भी अनईक्वल शेयरिंग हो रही है, ठीक है। प्रिडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड, हमें किस तरह से पता चलेगा कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो कोवलेंट है या फिर आयनिक है, तो बहुत सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, उससे हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कब हो रही है और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कब हो रही है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एलिमेंट्स और इज़ मोर देन 1.7 द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स विल बी प्रीडोमिनेंटली आयनिक, ठीक है। अगर तो डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो 1.7 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो है आयनिक, और अगर 1.7 से कम आता है तो फिर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है उसे हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। जैसे कि नीचे देखें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2 और क्लोरीन की जो है वो है 3.2, अगर हम 3.2 में से 2.2 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1, तो 1 क्या है 1.7 से कम है, तो अगर 1.7 से कम है तो कौन सी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। इसी तरह से आप पीरियोडिक टेबल में से एलिमेंट्स लें उनके दरमियान का चेक करें कि कौन सी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, जैसे सोडियम क्लोराइड का चेक कर लें कि उसके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आ रहा है, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.7 से कम आ जाए तो फिर हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है, और अगर 1.7 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ रहा है तो फिर उसका मतलब है कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन है। आपने एक बार टॉपिक ज़रूर रीड करना है, टॉपिक रीड करने से आपकी बाकी की कन्फ्यूजन जो है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।